हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। आज का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं मुंबई लालबाग राजा का दर्शन करने के लिए। तो सब तैयार हैं इस समय, मिस्टर भी तैयार हो गए हैं। कुणाल एंड श्रेया आ जाइए। और इस समय बज रहे हैं 9:30। ये देखिए कुणाल, हेलो बोलो। हेलो श्रेया, कहाँ जा रहे हैं? लालबाग राजा का दर्शन करने। चलो बोलो, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी मैं अपना ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ। आज सेकंड दिन है, मतलब गणपति बप्पा का सेकंड दिन है। कल गणेश चौथी गणपति बप्पा बैठे हुए थे, तो कल हम लोग हमारा स्टोर में भी बहुत जगह बैठे थे, तो कल हमारे पास टाइम नहीं था। बट आज हमारे पास टाइम मिल पा रहा है, तो हम चलते हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए। बहुत इच्छा है लालबाग राजा का दर्शन करने के लिए। देखिए कौन सा दर्शन होता है। गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। तो आज है दिन है संडे, और भीड़ तो आज बहुत ही रहेगी। और तारीख है 8 तारीख है 2024। अब हम जा रहे हैं, बस लिफ्ट में है, निकल रहे हैं इस समय। तो छाया हुआ है, बारिश भी है आज। मिस्टर ड्राइविंग कर रहे हैं, और बस ये हमारा आईएस टावर है। देखिए हर ब्लॉग में आपके साथ दिखाती हूँ। ये पीछे बैठे हुए हैं कुणाल एंड श्रेया। मिस्टर आ गए अपनी ड्यूटी पे गाड़ी चलाने के। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे, अच्छे अच्छे ड्राइविंग करें और अच्छे अच्छे से गाड़ी चलाएं, और हम अच्छे अच्छे दर्शन करके आ जाएं बप्पा का। और बस यही है, बहुत हमेशा हर साल हमको उत्साह रहता है लालबाग राजा का, हमेशा दर्शन करने जाते हैं। आज तो मतलब आज सेकंड डे है बप्पा का, और सोच रहे हैं कि दर्शन हो जाए बस अच्छे से। थोड़ा मन में ये भी है, क्योंकि बप्पा का दर्शन करने के लिए बहुत लोग लाखों की संख्या में आते हैं वहाँ पर, और अच्छे अच्छे बप्पा का दर्शन करते हैं। क्योंकि लालबाग राजा तो यहाँ के बॉम्बे के बहुत फेमस गणपति बप्पा हैं, और उनकी तैयारी तो बहुत दिनों से चलती रहती है, और बहुत हाइट में ये बनते हैं, और मतलब भव्य दृश्य होता है इनका, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको मैं दिखा सकूँ वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पे, कुछ हीरो हीरोइन भी वहाँ पे आते हैं पापा का दर्शन करने के लिए। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपके साथ वो सब शेयर कर सकूँ। बस अब हम निकल चुके हैं, मैं बॉम्बे का नज़ारा आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी हम जाने वाले हैं अटल सेतु ब्रिज से, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉम्बे कनेक्ट करता है एक तरह से ये ब्रिज। और ये भी नया ब्रिज बना है अटल सेतु ब्रिज से, इसीलिए हम इसी ब्रिज से जा रहे हैं। इसमें पता है भीड़ नहीं रहती है, और रास्ता एकदम एक नंबर का है। अभी इसको बने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 साल हो गए इसको बने, बट बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ से निकलते ही हमको 10 बज गया है, 10:05 हो रहे हैं। आपको भी दिखा रही हूँ टाइमिंग भी, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लालबाग राजा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमको उन्हीं का दर्शन करना है। इसके बाद वहाँ तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये भी हम जानते हैं। फिर इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो और पापा का दर्शन करेंगे।
साल हम गए थे 2023 में, और उस बार तो इतना रस था, हमने मुख दर्शन किया था। उससे पहले हमने पग दर्शन किया था 2022 में, और 2023 में हमने मुख दर्शन किया था। इस बार देखते हैं हम कौन सा दर्शन करते हैं। और एक चीज़ ये भी बताऊँ, उस बार इतनी बारिश थी कि मतलब बता नहीं सकती। सब छतरी लेके खड़े हुए थे, अगर आपको देखना होगा तो मेरा पहला वाला ब्लॉग देखिएगा। इतनी बारिश थी उस समय, उस बारिश में पापा का एक झलक पाने के लिए, सिर्फ मुख दर्शन के लिए भी वहाँ पे लोग कतारों में खड़े थे। तो मतलब आज तो सेकेंड दिन है, आज कुछ भी नहीं बता सकती। आज भी बहुत रश होगा क्योंकि आज संडे है। सन्डाल बाग राजा का इतनी मान्यता है कि लोग वहाँ पे लाखों तक रुपए तक चढ़ाते हैं। इस बार अंबानी ने 16 करोड़ रुपए का मुकुट चढ़ाया है लाल बाग राजा को। मतलब आप देखिएगा, मतलब वो मुकुट भव्य था। हमने यूट्यूब चैनल से देखा और हमने न्यूज भी उसका देखा, मतलब बहुत अच्छा मुकुट है, सोने का मुकुट है, 16 करोड़ का चढ़ा हुआ है। बॉम्बे पहुंच गए हैं, बस पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं कहीं गाड़ी पार्क किया जाए। एंड हम लोग यहाँ पार्किंग पे गाड़ी डालेंगे। यहाँ लिखा है मुंबई महानगर पालिका सार्वजनिक वाहन, तो यहाँ पे गाड़ी हम पार्क में डालेंगे। अभी देख रहे हैं कहाँ स्पेस मिल रहा है। फ्रेंड हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे डाली, फिर 1 से 1.5 किलोमीटर जाके हमको दर्शन के लिए जाना था। वहाँ जाके हमने जब भीड़ देखी तो भीड़ देख के हम सरप्राइज हो गए कि भाई ये कैसा मतलब भीड़ है। पर पता चला कि ये मुख दर्शन का भीड़ है, पर हमें ऐसा लगा कि इतना भीड़ मुख दर्शन में है तो पग दर्शन में कितना होगा। दर्शन की लाइन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब शुरुआत कहाँ है वो तो दिख ही नहीं रहा है, बस बढ़ती जा रही भीड़ ही दिख रही है यहाँ पे। फिर हम आगे चल के थोड़ा हमको पग दर्शन का लाइन मिला, पर वहाँ भीड़ थोड़ा कम थी। मुख दर्शन में ज़्यादा था, पग दर्शन में कम था। पत्थर से लेके जो है
आ जाइए, हम फैमिली है। सिक्योरिटी चेक करा के लाइन से होते हुए ब्रिज क्रॉस करते हुए मेन लाइन पे पहुंचे हैं फ्रेंड।
एक बज गया था, आरती का टाइम शुरू हो गया था, आरती होने लगी थी। हम लोग लाइन में ही लग के आरती करने लगे। यहाँ पे आरती ख़त्म हो गई है और हम लोग लॉन्च में जाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। सामने जो गेट देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं, जैसे कुछ टाइप के वीआईपी लोग या कोई किसी का सेटिंग हो यहाँ पे जो जात पहचान के हो, तो लोग इस गेट से भी एंट्री करते हैं और उनको जल्दी यहाँ पे दर्शन मिल जाता है। लॉन्च में पहुंच गए हैं और यहाँ इस लॉन्च में हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, वॉशरूम से लेके खाने पीने तक की फैसिलिटी मिलती है। और बच्चों को इस समय यहाँ पे भूख लग गई थी तो हमने बर्गर और पफ खिलाया, हम भी खाएं। और यहाँ पानी, चाय, हर तरह हर चीज़ आपको मिलेगा। लालबाग के राजा के लिए जो लाइंस लगी है या फिर लॉन जो बने हुए हैं, उसमें इतना पॉजिटिव वाइब्स होती है कि आपको घंटों का पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने घंटे लग जाते हैं उसमें। Thank you.
चाय भी बट रही थी और बिस्किट भी बट रहा था, मगर लोग ऐसे जनसेवा कर रहे हैं, चाय भी बटती रहती है, बिस्किट भी बटता रहता है, पानी भी जगह जगह पर बटता रहता है कि आदमी जो भक्त आए हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चप्पल रखने का कोई टेंशन नहीं रहता है। लास्ट की लाइन में आपको जूता चप्पल रखने के लिए एक थैला मिल जाएगा जिसमें नंबर लिखा रहता है, आप उस पर अपनी जूता चप्पल रख के आप उसको जमा कर दीजिए, बस नंबर नोट कर लीजिएगा। आप जब दर्शन करके आएंगे तो आपको वो थैला मिल जाएगा, नंबर बता दीजिएगा। तो 10 मिनट समय हो गए हैं, अभी भी पापा का दर्शन नहीं हुए हैं, चल रही है। वैसे ही आप लॉन्च क्रॉस करके ऊपर चढ़ने के लिए मेन लाइन में लगेंगे, वहाँ पे आपको ढेर सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ पे प्रसाद, माला, फूल, नारियल, दूर्वा आपको सब मिलेगा। अगर आप प्रसाद लेके नहीं आए हैं तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। हैं
चालू
इधर सेया कुनाल सेया वीआईपी का लाइन है बिल्डिंग
गई। सर जी 64 64 64 64 64 64 चलो चलो चलो। क्या और चाहिए क्या? बहुत है जानो, अभी मैं ये ले रहा हूँ। सामने है ना गेट, सामने गेट है। फ्री का मिल रहा है सब यहाँ फ्री में बांट रहे हैं। देखिए बस लोगों ने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ मेंदू बड़ा खाया है बस। अरे लोग बहुत लिया है। ये वाला देखो कितना अच्छा है कुणाल, ये देखो कितना अच्छा बना है। परेल का राजा, परेल का राजा, ये देखो कितना सुंदर। पार्किंग वाली जगह पे आ गए हैं और बस गाड़ी। बच्चे लोग बहुत खुश हैं और बहुत थक गए हैं, देखिए तो दशा कैसी हो गई एकदम से। तेरा कुणाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फुल एंजॉय किया? यस। कहाँ कहाँ का दर्शन किया? लाल बागचा राजा था और जी एस पी और दोनों ही फेमस गणपति बप्पा हैं। और मतलब दोनों ही मतलब जीएसपी जो गणपति बप्पा हैं वो पूरे सोने और चांदी के बने हुए हैं और वहाँ पे भी लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। पर आज दूसरा दिन था तो दो घंटे लग गए हमको उनका दर्शन करने में। और लारबा राजा का मैंने बताया ना 11:40 पे हमने लाइन पे लगा और 11:40 पे हमने लाइन पे लगा और 6:40 पे हमने पापा का दर्शन कर लिया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं सब लोग। थोड़ा सा देर रेस्टोरेंट पे ही खाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ईस्टर जी का चला के आ रहे हैं, बस हम बैठेंगे जाएंगे घर पर और बजने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊं 10:30 बजने वाले हैं। ईस्टर ड्राइविंग करके आ रहे हैं कार लेके और बस हम जाएंगे
से अतुला से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने पापा का, बस वो आए कब तक गए हैं उससे भी पहले बातें नहीं रहते बता रहा है। आप बैठ गए हैं और बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय गणपति बप्पा। अच्छे अच्छे दर्शन हो गया आपका, थैंक यू, बस अच्छे अच्छे घर पहुंच जाए। से कुणाल बैठ गए हैं अच्छे से, दिख रहा है बेटा मम्मा को ठंडा पानी लाता हूँ। मिस्टर बस ड्राइविंग करने में थक बहुत गए हैं, अपना सामान अपना ही होता है, गाड़ी में बैठ के बस एसी ऑन कर दिए हैं। और ये देखिए गणपति बप्पा जा रहे हैं, आज ये वाले गणपति बप्पा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि बहुत लोग डेढ़ दिन के गणपति बप्पा बैठाते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए उलवे, देखते हैं कोई रेस्टोरेंट अगर खाली होगा तो हम वहाँ खाना खाएँगे। और आपको दिखाऊँ कितने बज रहे हैं, मैं आपको रूम करके दिखाती हूँ, 10:30 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत भीड़ है, बहुत ही भव्य मतलब हमको दर्शन हुआ है गणपति बप्पा का। लालबाग राजा का भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, जितना सोचे नहीं थे उससे भी अच्छा दर्शन हुआ है। और ये उलवे कनेक्ट करेगा, अब हमको यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 20-30 मिनट लगेगा, बस अब हम पहुँच जाएंगे तुरंत। मगर उससे पहले सोच रहे हैं कहीं अगर अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए तो हम लोग खाना खा लें, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी हुई है, 10:30 बज रहा है जैसे कि आपको टाइमिंग दिखाया है। और ये वाला रोड ही टूट रहे थे असल में, थोड़ा सा वहाँ पे कंजेशन सा हो गया था और मिल नहीं रहा था, फिर गूगल के थ्रू हमने देखा मैप से, फिर इसके बाद हमने ये वाला पकड़ा, ये पकड़ लेते हैं ये वाला रोड अटल सेतु ब्रिज, तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब देख रहे हैं एकदम भीड़ नहीं रहती और बहुत शांति रहता है और बहुत सुकून लग रहा है गाड़ी में बैठ के। अब मिस्टर लोग का चेहरा दिखाती हूँ आपको, मिस्टर कर रहे हैं ड्राइविंग, सबके माथे पे भगवान जी का आशीर्वाद है, दोनों भगवान जी का सबके माथे पे लगा हुआ है। बच्चे लोग कुणाल एंड श्रेया, श्रेया थक गई हैं, यस सो रही है। अच्छा दर्शन हो गया, जितना सोच के नहीं आए थे उससे भी मतलब ज़्यादा अच्छा हो गया। सुबह तो मॉर्निंग में भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे दर्शन होगा, कितना टाइमिंग लगेगा, क्योंकि मुख्य दर्शन का जो हमने देखा था भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ था कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, वीडियो में तो आपको देख ही रहे होंगे। फिर मिस्टर बोले थे कि नहीं पग दर्शन हम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आए थे तो पग दर्शन किया था फिर 2023 में, और 2022 में आए थे तो हमने पग दर्शन किया था, और 2023 में आए थे तो हमने मुख दर्शन किया था, और इस बार 2024 में आए हैं तो हमने पग दर्शन किया है। और बहुत ही भव्य रूप बनाया गया था, मतलब हमने जब देखा, मतलब आप जब लालबाग राजा का दर्शन करेंगे ना तो आपको बहुत अलग ही मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं वो आपको बता नहीं सकती। और वहाँ जाके जो बप्पा का आशीर्वाद होता है, जो हम वहाँ माता टिकते हैं उसी का वो निशान होता है यहाँ पे। और दूसरे पंडाल में हम गए थे तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि बस आपको मतलब लालबाग राजा का दर्शन करने गए थे क्या, तो हमने कहा हाँ, तो बोले कितना टाइमिंग लगा, तो मैंने बताया भाई कि 7 घंटे लग गए। फिर वहाँ मिस्टर ने बोला कि चलो दूसरे पंडाल का हम दर्शन कराते हैं, जिसका नाम GSP सेवा मंडल है, और वो भी गणपति इतने भव्य थे जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे, वो पूरा सोने और चांदी के बने हैं, और वो गणपति बॉम्बे के सबसे अमीर गणपति के नाम से जाने जाते हैं। उस बार हम आए थे तो हमने नहीं दर्शन किया था, तो इस बार मिस्टर के मन में था कि चलो इस बार जरूर दर्शन करेंगे, बट इतना सोच के तो नहीं आए थे कि मतलब इतने बड़े बड़े गणपति जी का दर्शन होगा, बट हो गया, दो ही गणपति जी का हमने दर्शन किया, मगर इतना अच्छा था कि क्या बताएं। दूसरा दिन है ये,
और अब कल से तो काफ़ी भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज तो बहुत लोगों के यहाँ गणपति भगवान का विसर्जन हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग डेढ़ दिन भी गणपति भगवान रखते हैं अपने घर में। और सड़क देखिए, रोड देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है यहाँ की। फ्रेंड हम उल्वे पहुँच चुके हैं, अटल सेतु ब्रिज हमने छोड़ दिया है और दिखा रही हूँ मैं आपको रास्ता। और मैं आपको टाइमिंग दिखाऊँ, बज रहे हैं इस समय 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। फ्रेंड खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, स्वाद रेस्टोरेंट में, और हम यहाँ जा रहे हैं खाना खाने, बहुत भूख लगती है। स्वाद नाम है, अब आ गई कुल्फी, पहले हम लोग कुल्फी खाएंगे, चलो। देखिए सब कुल्फी खा रहे हैं, बताइए। अब बाहर हो रही बारिश, बारिश में कौन कुल्फी खाता है, मगर देखिए सबकी मस्ती क्या है। टाइम हो रहा है 11:30, रात है, बारिश हो रही है, बताइए। और मतलब फिर भी लोग कुल्फी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं IS टावर और गेट खुलने वाला है, हम एंट्री कर रहे हैं अपने IS टावर में। गार्ड ने गेट खोल दिया है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। टाइम हो रहा है फ्रेंड मोरिया, 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, बस पहुंचे, अब जा रहे हैं रूम पे। मेरे को हंसी आई, फ्रेंड पहुंच गए घर। हमारी मछलियां देखिए, खाना नहीं मिला है, अब इनको हम खाना देंगे। बेचारी सब छटपटा रही हैं, सुबह भी खाना डाला था मैंने और जाते समय भी खाना डाला है। और बज गए हैं 12, करेक्ट 12 बजे हम लोग घर में पहुँचे हैं। आपको दिखा रही हूँ मैं अपनी घड़ी, फ्रेंड 12 बज गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बस सोने, कि सब लोग बहुत थक गए हैं, काफ़ी सुबह से लगे रहे दर्शन के लिए। और कैसा लगा हमें आपको ब्लॉग, ये ज़रूर हमारे संग शेयर करिएगा, जो भी रहे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।